नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीए न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं खास खबर की ओर। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हैं। अब यह दिल्ली की जनता के हाथ में है कि वो ईमानदार हैं या नहीं। अरविंद केजरीवाल ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगे थे और कहा था कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दें, अगर मैंने काम नहीं किया है तो मुझे वोट ना दें। 2025 के दिल्ली चुनाव में दिल्ली की जनता उस चुनाव के जरिए अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार है कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है।